सो लास्ट वाला ब्लॉग जो है काफ़ी ज़्यादा लंबा बन गया था, क्षमा प्रार्थी हैं उसके लिए। सो ये रहा मेरा लड़का और लड़के सब बढ़िया। चलो अभी बाइक रखनी है मुझे। 3 hours later ओ यार गाइस ये देखो हवा बहुत मस्त चल रही है बाहर, देखो पेड़ हल्के हल्के हिल रहे हैं, मैं तो आधी घंटे से हवा ले रहा हूँ यहाँ पर ये देखो यार हवा सच में प्यारी चल रही है, मज़ा आ गया। ये देखो आंधी आएगी क्या भैया, अब आंधी मत आ जाना अच्छे हवा के चक्कर में, हमें तो लगता है कि बारिश होगी रात में। वो देखो गाइस वो देखो वो कितना तेज हिल रहा है लाइट, ये देखो गाइस लाइट के इधर से बौछार आ रही है और देखो वहाँ से पारा दिखाते हैं, अच्छे से नहीं दिख रहा है गाइस, क्या करें भैया। गाइस लाइट ही चली गई होली है होली, लाइट के सामने का बौछार वाला शॉट लेना था भैया, लाइट ला दूं अब कैसे लें। अब देखो हाँ दिखेगी गाड़ी 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 में दिखेगी, ये देखो बौछार देखो एक बौछार दिखाने के चक्कर में बताओ, अरे आ गई आ गई आ गई आ गई बौछार, आओ भैया कहाँ गया बौछार, ले ये वाली दिखा देते हैं बौछार, बौछार भैया बौछार कहाँ हो, ले आ ही नहीं रहे तो फोकस ही नहीं दे रहा, बौछार नहीं आ रहा, बौछार खत्म, बौछार बुरा मान गया। पर ये देख लो गाड़ी गीली हो गई, ऐसे समझ जाओ कि बारिश हो रही है। मेरे भाई के कुछ कपड़े रह गए थे तो वही मैं लेने आया था, और ये देखो अब बारिश होने लगी, ये देखो बारिश हो रही है। तो आया था छत पर तो सोचा कि थोड़ी व्लॉगिंग भी कर लूँ और आपको दिखा भी दूँ। क्या कही हो सुबह सुबह भैया, ऐसी जिंदगी है देखो कपड़ा फैला फैला। अबे तुम तो चुप हो जाओ साला, ये दिन भर कैसे ऑन रह लेता है। तो गाइस ये देखो सुबह सुबह मैंने अपनी मेहनत कर दी, ऑन कर लेना। वाह सुबह सुबह मौसम बारिश वरिश हुई थी, ए लो ये तो गड्ढा खुदाया था क्या था। तो वेरी फ्रेश गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग फ्रेश आप लोग की होगी मेरी चांस से। 7 बजे करेक्ट मैं उठा, करेक्ट 7 बजे उठा और 7:10 तक अपना बम गिराया मैंने, और उसके बाद कपड़ा फैलाने चला गया, उसके बाद अब देखो जा ही रहा हूँ। तो ऐसे तो ज़िंदगी है मेरी, इसीलिए आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, ज़िंदगी ऐसी है कुछ लाइफ स्टाइल में अच्छा दिखाई नहीं पा रहे हैं। आप लोग भी सोचते हो कि क्या साला दिखाता रहता है एक ही चीज़, चलो छोड़ो जो है अब क्या कर सकते हैं, दूध लेने चलते हैं पहले। लेकिन कुछ भी कहो यार सुबह की वाइब तो यार बहुत ही मज़ेदार होती है, देखो सब निकल रहे बाहर, कुछ लोग अपनी दुकानें खोलते हैं, कुछ अपने पैसे जोड़ते रहते हैं, चिल्ले। अब इन भाई साहब के हमने खाया है, बहुत मस्त बनाता है। ओ भाई साहब ये देखो पूरी ट्रक डैमेज हो गई यार, ये देखो पुलिस चौकी के बाहर रखी हुई है, थाने के बाहर। अबे मैं ज़्यादा आगे नहीं ना आ गया, दूध वाला यहीं कहीं तो लगाता है, वहाँ लगाता है शायद। जय बजरंग बली, कोलकाता की मूर्ति यहाँ मिलती है। मेरे घर के 100 मीटर 200 मीटर में दूध मिलता है और मैं यहाँ 1 किलोमीटर से ज़्यादा चल के आया हूँ दूध लेने, हद है। उस समय दिमाग क्यों नहीं काम किया, जब लोग छोटे थे ना तो कोई भी सामान लाते थे जैसे कि 2-4-5 रुपये का, तो उसमें तो भैया 50 पैसे अपने, 1 रुपये अपना कमीशन बन जाता था। अभी वही सीन होता है, देखो दूध ले जा रहा हूँ 1-2 रुपये भैया अपना हो गया, तो अभी भी 1-2 में ही डील चलती है, ज़्यादा बड़ी डील नहीं चल पाती घर पर। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। 1 hour later भाई वो जो एक व्लॉगर का तेरे को व्लॉग दिखाया था जिसके बड़े बड़े बाल थे, क्या नाम था उसका, सौरभ, ये पुराने वाले व्लॉग पे लोग कमेंट किए हैं कि आपके व्लॉग में कुछ स्पेशल नहीं है लेकिन आप बोलते बहुत अच्छे से हैं, इस वजह से मैं आपका व्लॉग पसंद करता हूँ। ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। नहीं अब बताओ वो इंडिया का टॉप व्लॉगर हो गया, मैं अच्छा नहीं बोलता हूँ मेरे में क्या कमी है भाई, मेरे अंदर सिंपलिसिटी नहीं दिखती है लोगों को ये देख तेरी सिंपलिसिटी, इतना साधारण लड़का साइकिल से आ रहा है अब कितनी सिंपल, अब क्या रेंगे जमीन पे ओ भाई मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो, क्यों नहीं बढ़ रहे भाई चैनल, प्रेम से चला जाए भाई अब हमको लगता है तभी देखेंगे लोग। तो गाइस ये देखो एक गाड़ी गई है और ये पूरा सारा कचरा उठाने वाली गाड़ी पूरा गंदा कर गई है, देखो उठाने वाली गाड़ी कचरा कर दी तो ये देख रहे हो ये कचरा उठाने वाली गाड़ी लेकर गई है, पूरा कचरा गिराते हुए लेके गई है, बताओ। तो गाइस देखो वो गाड़ी जा रही है वही कचरा उठाने वाली है, पूरा ये देखो पूरा कचरा गिराते हुए गई है यार, ये देखो ये क्या देखो साले गोबर किए हुए पूरा, ये देखो कचरा हुआ है गिरा दिए पूरा कचरा,
वो गाड़ी बता, बड़ी बदतमीज गाड़ी है, कूड़ा उठा नहीं रही है उतना तो गिरा रही है। यहाँ से कूड़ा नहीं गिरा, ये यहाँ से कोई भी कूड़ा नहीं गिरा है, कूड़ा सिर्फ वहीं तक गिरा है। मुझे लगता है रोड ऊपर नीचे रही होगी, उस वजह से कूड़ा गिर रहा होगा, क्योंकि यहाँ की रोड तो देखो पूरी रोड प्लेन है। ये आर्किटेक्चर देखो गाइस, कितना पुराना आर्किटेक्चर है, ये देखो राजा महाराजाओं के टाइम का आर्किटेक्चर लगता है मुझे ये। भाई पूरे पिछवाड़े की कसरत हो गई तुम्हारी साइकिल के, इस पे बैठ के, इस पे बैठा था मैं, इस पे कोई गद्दी भी नहीं लगी है, सोचो पिछवाड़े का शेप कैसे बन गया होगा। 3 hours later अभी मैंने अपना खाना तैयार कर लिया, मुझे सब्जी नहीं पसंद थी तो मैंने सब्जी को ऐसे कर दिया, आलू बना दिया चोखा टाइप का फ्राई करके, एंड मैंने इसको रोटियों में सेक दिया। अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं किया तो आप लोग जरूर ट्राई करना, बहुत मस्त लगता है। इसको मैं खाऊंगा चटनी के साथ। The next day. Hey guys, good morning. सुबह के बज रहे हैं 8:30 और चाय नाश्ता दोनों बन चुका है, लेकिन मुझे ना मैगी खाने का मन किया, तभी मैं मैगी लेने जा रहा हूँ सुबह 8:30 बजे। ऐसी बात नहीं है कि मुझे भूख लग गया था, बस मन कर रहा था मैगी खाने का। दुकान पे तो आए उधर भैया, पाँच वाला कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। तो एक दुकान पे मैगी तो नहीं मिली, लेकिन हम लोग हार नहीं मानेंगे, नहीं मिलेगी तो 5 दुकान खोजना पड़ेगा, 5 खोजेंगे, लेकिन खाएंगे अभी इसी टाइम। इस जिद भी ना कभी कभी बहुत अजीब होती है, साला कब क्या कर जाए मन। तो 5 वाला ये देखो 8:30 बजे ही हल्की हल्की धूप आने लगी है। तो ब्लॉग करते हैं पेंड, अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना भैया, अपना काम कर दो, थोड़ा आसपास के घर में लोगों में सब्सक्राइब कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अपने पापा मम्मी को मोबाइल से सब्सक्राइब कर दो, उन लोग को भी दिखाओ मेरी जर्नी, और गाजीपुर के हो तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब कर दो। चलो बाय।